सब्सक्राइब कीजिए सर्वे दुनिया चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ सीपी पॉइंट, मतलब चेंज पॉइंट स्टेशन। मतलब अभी मैं जिस जगह पर मशीन बैठा हूँ, इस जगह से मेरा आगे काम करना इम्पॉसिबल हो गया। अभी मेरे को मशीन उठाना पड़ेगा इधर से, तो इसीलिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करेंगे, सीपी पॉइंट एक शिफ्ट करके लेके जाएंगे, फिर उस जगह पे मशीन सेट करके काम करेंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, स्टेटस स्क्रीन है। पहले तो आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा मशीन है अभी रिसेक्शन हो गया है, ठीक है। आपको पहले रिसेक्शन कर लेना है, और रिसेक्शन से भी अच्छा जो सबसे बेस्ट प्रोसेस है वो है ओरिएंटेशन विद बैक साइड। ओरिएंटेशन विद बैक साइड करके एक पॉइंट को इंस्ट्रूमेंट में बैक साइड करके मशीन सेट करके ट्रैवर्स के जैसा सीपी छोड़ना, वही ओरिजिनल रूल है। तो मेरा अभी मकसद है आप लोगों को क्लियर टू क्लियर सीपी पॉइंट शिफ्ट करना और दिखाना। तो मेरा जो सीपी पॉइंट था वो कॉलम पे है, इसलिए मैं रिसेक्शन करके सेट कर लिया। अभी क्या करना है, रिसेक्शन करने के बाद ये देख रहा है F1 OBS F1 प्रेस कीजिए, उसके बाद मेनू में एंटर कीजिए, F1 फिर से प्रेस कीजिए, उसके बाद कोऑर्डिनेट में जाइए, एंटर कीजिए, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन दिख रहा है ना, ऑब्जर्वेशन में एंटर कीजिए। अभी क्या करेंगे, फील्ड में जिधर आपको कोऑर्डिनेट शिफ्ट करना है उधर एक मार्कर से, वाइटनर से, पेंट से, कलर से, जो आपका पास अवेलेबल है उससे पॉइंट पहले मार्किंग कर लेना है। तो चलिए मैं पॉइंट मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इधर ऑन फील्ड आपको दिखा रहा हूँ, आपको डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसलिए, ठीक है। देखिए मैं एक पॉइंट शिफ्ट करूँगा इधर, जिसका नाम दूंगा CP1। ठीक है, जिसका नाम मैं दे दूंगा CP1। ओके, तो मैं ऑन प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ हमेशा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए दोस्त, हाँ मेरे को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अभी उधर पिजम पकड़ने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा असिस्टेंट जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया उसके ऊपर पिजम पकड़ने के लिए गया है, तो अभी उधर साइट करेंगे इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। आप देख रहा है अभी इधर पिजम लेके बैठा है वो पॉइंट के ऊपर, तो अभी मैं साइट कर लेता हूँ अच्छे से। ओके, ठीक है, मैंने पिजम को अच्छे से साइट कर लिया। ओके, साइट कर लिया। देखिए अभी जो हमारा प्रिज्म का हाइट है वो है 100 mm, इसलिए मैं 0.100 हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर के जगह पे डाला है। तो इधर जो मेरा पॉइंट है इसका नाम दिया मैंने CP1। ओके, CP1। ओके, अभी क्या करेंगे, F4 मेजर करेंगे। देखिए जो पॉइंट मैंने शिफ्ट किया उसका कोऑर्डिनेट आया 22648.854 ईस्टिंग, नॉर्थिंग है 1907136.468। तो इसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट में या रजिस्टर में नोट भी कर सकते हैं।
तो इसी प्रोसेस के माध्यम से आप सीपी पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू।